एवरीवन, प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता भटैया आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम कर्टन्स को किस प्रकार से आप घर पर ड्राइकलीन कर सकते हैं यही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ सोफे के कुशन कवर्स जो होते हैं इनका किस तरीके से रंग ज्यादा दिन तक बना रहे और कैसे आप इसको मेंटेन करके रखें यही आपके साथ शेयर करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि ये औरों के भी काम आ सके। थैंक यू। पर्दों की ड्राइक्लीन करने के लिए हम एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। इसके लिए हम 5 लीटर के आसपास पानी लेंगे। 5 लीटर पानी में 100 ml अपने एसिटिक एसिड को डालना है। जो कर्टन आपके बहुत ज्यादा गंदे हैं, क्योंकि कुछ जगह के कर्टन ऐसे होते हैं जिसपे बहुत सारे स्पॉट हो जाते हैं, उन कर्टन को आप इसमें डिप करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। मोस्टली पूजा स्थल जहाँ पे धूप और बत्ती का धुआं से कर्टन काला हो जाता है, या ऐसे स्थान जहाँ पे बच्चों के हाथ लगते रहते हैं, आप इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। जितने भी जिद्दी दाग होंगे वो इस सॉल्यूशन की वजह से निकल जाएंगे, देन हम इसकी ड्राइक्लीन करेंगे। पर्दों की ड्राइक्लीन करने के लिए आप अप टू द मार्क पानी लेंगे अपने वॉशिंग मशीन में, और 1 कप आप उसमें लेंगे लिक्विड सोप। कोई भी वूलन क्लॉथ लिक्विड सोप ले सकते हैं, लाइक इजी, सेफ वॉश, जो भी आप यूज करते हैं। कुछ व्यूअर्स का कमेंट आए थे कि हम इसमें रीठे का पानी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्टली ड्राई क्लीनर रीठे का पानी यूज करते हैं, वो मार्केट में सस्ता पड़ता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब साइड में रीठे का पानी बहुत कॉमन है। ये प्रोडक्ट है जो किस प्रकार से बनाया जाता है ये बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे लिसापोल भी कहते हैं और कुछ जगह पर इसे टीपोल भी कहते हैं। हमने इसमें खाली लिक्विड सोप ही लिया है, क्योंकि हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया था पहले ही। 5 लीटर पानी में 100 ml हमने एसिटिक एसिड डाल के कर्टन्स को उसमें डिप किया हुआ है, वही अब हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप पानी कर्टन को डिप करने के लिए ज्यादा लेते हैं 5 लीटर से, तो आप ये ध्यान रखिएगा आपने 2% का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। एसिटिक एसिड की क्वांटिटी उसी हिसाब से आप बढ़ा देंगे। मैंने 5 लीटर में 100 ml एसिटिक एसिड डाला था। इसे 15 मिनट तक के लिए आप इसी तरीके से इस सॉल्यूशन में ड्राइक्लीन करेंगे। अगर आपके कर्टन के कलर निकलता है तो आप इसमें 1 tablespoon के आसपास कलर फिक्सर भी ऐड करेंगे। कर्टन का व्हाइट क्लॉथ है तो आप उसमें फिर मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। खाने वाले सोडे की क्वांटिटी कितनी लेनी है ये मैंने ड्राइक्लीन की जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की है उसमें आप देख सकते हैं। एसिटिक एसिड के जो सॉल्यूशन बना के अगर आप उसमें कर्टन या कोई जिसमें भी आपका बहुत ज्यादा डस्ट या स्टिकी स्टेन वगैरह है तो वो आप उस पर डिप करेंगे तो वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए आप पानी कितना डर्टी हो गया है और हमारे कर्टन बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अब हम इन्हें साफ पानी से निकाल लेंगे। इन्हें अच्छे से साफ पानी से निकाल के देन हम इसे इन्हें स्पिन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको स्पिनर में डाल के सुखा लिया है और ये बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप कुशन कवर को भी घर पर ड्राइक्लीन कर सकते हैं। अगर आपके कुशन कवर डार्क कलर के हैं तो आप उसमें कलर फिक्सर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हमने यहाँ डिटर्जेंट की जगह पे वाइल्ड सोप लिया है, इस वजह से इनके कपड़ों का रंग ज्यादा दिन तक बरकरार रहता है और ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ देते हैं। ये देखिए कर्टन कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं, कितना शाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसी तरीके का सॉल्यूशन एसिटिक एसिड और माइल्ड सोप का सॉल्यूशन बना के आप अपने घर के कर्टन और कुशन कवर को यानी कि सोफे के कवर को आप इजी वे से घर पर ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों के भी काम आए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।